गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं खेवन, आपका पार्ट टाइम एडिटर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये कोरोना वाला एडिट कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम ऐप यूज़ करके। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे और एडिटिंग ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड आप हमसे कनेक्टेड रहें। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। हमने हमारी फोटो के बैकग्राउंड को कर लिया है इरेज। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे इरेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाके वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हैं। तो हमने हमारी फोटो का बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज कर रखा है। सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल की तरफ एंड यहाँ से हम लेयर में जाएंगे। यहाँ से हम फोटो लेयर में जाके अपने बैकग्राउंड को ले आएंगे जो हमने इस फोटो में लगाना है। ये बात, इसको हम हल्का सा कर लेंगे क्रॉप ताकि हमारे फोटो के साइज़ के हिसाब से फिट आ जाए। कितना बहुत है एंड डन कर देंगे। फिर हम अपने बैकग्राउंड वाली लेयर को लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और जो हमारा कटआउट था उसके नीचे ले जाएंगे। फिर जो हमारी फ़ोटो थी उसको हम टैप करेंगे, फिर यहाँ थ्री डॉट पर जाएंगे एंड इसको कर लेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करके इसको हम सिंपली यहाँ पर अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको कर लेंगे फिट। यहाँ से कर देंगे डन। फिर हम फिर से जाएंगे, एक और फोटो लेयर लेके आएंगे, ये वाले हम इसमें PNGs यूज़ करेंगे। इन PNGs का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इन्हें सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे और इसको कर देंगे स्क्रीन। इसको लेंगे, करेंगे ट्रांसफॉर्म। करने से पहले आप इसको लीजिए, इसको ड्रैग करके अपने जो कटआउट है उसके नीचे ले आइए। अगर आप देखें ये हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, सिंपली आप यहाँ से जा सकते हैं, इसको कर दीजिए ट्रांसफॉर्म एंड ये बहुत डन। फिर हम फिर जाएंगे, एक एम्प्टी लेयर चूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ से जाएंगे ये ब्रश वाले आइकन पे, इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर हम यहाँ से जाएंगे कलर वाले आइकन पे, यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो हमारी फ़ोटो के एजेस हैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम जाएंगे फिर से लेयर वाले ऑप्शन में एंड इस लेयर की ओपेसिटी को कर देंगे कम, बिल्कुल ही कम, अराउंड 19, इतना बहुत है एंड इसको भी ड्रैग करके हम अपने कटआउट के पीछे ले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी एजेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा शार्पन नहीं लगेंगी और देखने में ज़्यादा नकली भी नहीं लगेंगी। हम इसे कर दिया है यहाँ से, फिर हम इसे कर देंगे। हमारी फ़ोटो का काम बेसिकली यहाँ से हो चुका है। फिर हम यहाँ से जाएंगे स्टिकर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे लॉकडाउन या कोरोना वायरस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो सा PNG अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ये लॉकडाउन वाला सिलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे ऊपर। फिर हम फिर से जाएंगे एंड ये लॉकडाउन वाला PNG वाला सिलेक्ट कर लेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इरेजर टूल पे जाके हम इसको इरेज कर देंगे। हार्डनेस को कर लीजिएगा फुल, साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। डन। फिर हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में और यहाँ से हम एक और PNG को ऐड कर लेंगे। ये वाला, इसके साइज को कर देंगे फोटो के हिसाब से एडजस्ट एंड यहाँ से ब्लेंड में जाके इसको भी कर देंगे स्क्रीन। फिर हम जाएंगे स्टिकर वाले ऑप्शन में, यहाँ सर्च कर लेंगे कोरोना वायरस। और हम यहाँ से कोई सा PNG यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे
ये वाला कर लेते हैं, इसके साइज को कर देंगे बड़ा। एंड इरेजर टूल पे जाके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर लेंगे जो हमारे फेस पे आ रहा है, जैसे कि ये ऐसे कर देंगे डन। फिर हम यहाँ से जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन में एंड इसके यू को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लेंगे इतना डन। यहाँ से हमारी पिक्सा टैप का काम हो चुका है, हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। अब इसकी करनी है कलर ग्रेडिंग, तो हम इस फोटो को ले चलेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर, फिर हम वहाँ सिखाएंगे आपको कि इसकी कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, हमने हमारी फ़ोटो यहाँ कर लिया है इम्पोर्ट। तो सिंपली हम इसकी कलर ग्रेडिंग को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम हमारे लाइट वाले सेक्शन में, इसका एक्सपोजर हल्का सा कम कर देंगे, कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स को कर देंगे कम, शेडोज थोड़ी बढ़ा लेंगे, वाइट्स भी बढ़ा लेंगे, ब्लैक्स को कर देंगे हल्का सा कम। फिर हम यहाँ से जाएंगे कलर वाले आइकन में, फ़ोटो की वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन भी हल्का सा, एंड टेम्परेचर हल्का सा कम कर देंगे ताकि हमारे फ़ोटो में एक ब्लू टोन आ जाए एंड वो हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। फिर हम यहाँ से जाएंगे मिक्स टूल की तरफ, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे, थोड़े यू भी बढ़ा देंगे, यहाँ से कर देंगे शेड डन। फिर जाएंगे हम ये ऑप्टिक वाले आइकन में, रिमूव क्रोमेटिक लेंस में जाके आप यहाँ से कोई सा भी लेंस आप वैसे चूज़ कर सकते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है निकॉन एंड साथ में 50mm वाला लेंस यहाँ लगा लेता हूँ मैं, किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप GoPro चूज़ ना करें तो, बाकी सब तो लगभग एक चीज़ हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा आपका फ़ोटो नकली नहीं लगती अगर आप बैकग्राउंड चेंज करें, इसमें लेंस करेक्शन सब ठीक हो जाती है। एंड यहाँ से जाएंगे हम हमारे शार्पनिंग वाले सेक्शन में, फ़ोटो की शार्पनिंग हल्की सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, इसकी मास्किंग कर लेंगे एंड फ़ोटो में जाएंगे एंड इसकी नॉइस रिडक्शन को कर देंगे फुल एंड कलर नॉइस रिडक्शन को भी कर देंगे फुल। फिर हम यहाँ से जाएंगे हम हमारे सिलेक्टिव टूल की तरफ, एक यहाँ से रेक्टेंगल ग्रेडियंट ड्रॉ कर लेंगे नीचे से ऊपर की साइड इतना एंड उसमें जाके क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड फिर जाएंगे हम इस फोटो के एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देंगे, हाइलाइट्स को थोड़े से कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में कितनी अच्छी टोन आ गई है। तो हमारी फ़ोटो हो चुकी है यहाँ पर एडिट, आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो की कलर करेक्शन बिल्कुल सही हो चुकी है, हम इसे सिंपली जाएंगे एंड सेव टू डिवाइस कर लेंगे। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।